परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। ठीक, सब अधिकतर बच्चों का यही डाउट रहता है परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। पहले देख लें परिमेय संख्याएं होती क्या हैं, और ये हमें अक्सर सवाल देखें। परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिन संख्या के लिए हम पी बटे क्यू के रूप में लिखते हैं। ठीक, पी बटे क्यू के रूप में लिखते हैं, अभी हम आपको बताएंगे बन रहे हैं। और जो हमारा क्यू जीटेंट जो हो हमारा वो जीरो से बड़ा और बराबर ना हो। और दूसरा नंबर, पहला स्टेप हो गया पी और वे क्यू, पी और क्यू, ठीक है, इन्हीं का ये दोनों एक तो पूर्णांक होना चाहिए, दोनों पूर्णांक होना चाहिए ना, दोनों पूर्णांक होते हैं। ठीक, दूसरा नंबर पी और क्यू यानी कि इन्हीं का एच सी एफ हमेशा एक आना चाहिए। ठीक भाई, दूसरा नंबर देखें, जीरो जो है एक परिमेय संख्या है, जीरो एक परिमेय संख्या है। और देखें एक और नंबर, जैसे अब मैं लिख देता हूँ थ्री, अब इसके ऊपर लगा दिया बार, ठीक है, यानी कि एक ये इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, बार का मतलब बार 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 अनंत बार। ये इसकी पता है हमें कि भाई ये एक सीमित व्यय में ही बढ़ रही है, यानी कि तीन तीन ही बढ़ रही है, एक ही शांत प्रवृत्ति की है, तो ये भी एक परिमेय संख्या है, जीरो एक परिमेय संख्या है, जीरो एक परिमेय संख्या है। पाई, पाई एक परिमेय संख्या है, बताएं आप कमेंट कर, ये कमेंट में बताना है आपको। पाई जो है वो अपरिमेय संख्या है, याद रखना, और ये एक परिमेय संख्या। परिमेय संख्या कौन सी होती है जिनका कोई परफेक्ट स्क्वायर निकलता हो, जैसे ये रूट चार, रूट सोलह, ये एक परिमेय संख्या है ना, ये एक परिमेय संख्या है। ठीक भाई, इसके बाद अगर मैं बात करूँ रूट तीन की, तो ये एक अपरिमेय संख्या है, यह एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। देखना, एक तो स्टेप हमारा ये होना चाहिए, दूसरा स्टेप ये होना चाहिए, तीसरा ये, और चौथा स्टेप मैं यहाँ लिखता हूँ कि भाई उनका जो परफेक्ट होना चाहिए यानी कि पूर्ण उनका वर्गमूल होना चाहिए। ठीक है, वर्गमूल उनका पूर्ण होना चाहिए। ठीक, वो संख्या होती है परिमेय संख्या। एक एग्जांपल, जैसे चार बटे आठ। ठीक, चार बटे आठ एक परिमेय संख्या है या ना, तो देखें दोनों को पी बटे क्यू के रूप में तो लिखा हुआ है, पी क्यू टेंट जो हमारा जीरो से बड़ा है, देखें पी वे क्यू पूर्ण होते हैं, तो पूर्णांक होते हैं। ठीक है, पूर्णांक एच सी एफ इनका निकाल के देखें तो चार दुनिया तो नहीं, एच सी एफ तो ये पूर्णांक, एच सी एफ इनका तो आएगा, तब ये परिमेय संख्या नहीं है, अब ये अपरिमेय संख्या है। ठीक, आठ से इसमें भाग देंगे तो 40, 8×5=40, इसके बाद खत्म। तो ये इस कंडीशन में हमारी, क्योंकि ये शांत आवृत्ति की है। दूसरा नंबर, इसे जब हम काटेंगे चार दुनिया आठ, अब ये एक बटे दो, ठीक, निकाल के देख रहा है अपने अंदर, तो अब एक और दो का एच सी एफ कितना आ जाएगा, एच सी एफ एक आ जाएगा, तो एक बटे दो जो है वो एक परिमेय संख्या है, एक बटे दो एक परिमेय संख्या है। ठीक, इसी प्रकार अगर